अकेली नहीं है नीरजा, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, साथ देगा तू इसका किस हक से रे? हाँ, किस हक से? और अपने साथ कहाँ ले जाएगा इसे? अपने घर या कहीं और? कहीं और ही जाएगा। मेरी बाड़ी क्या बुरी, चल साथ, दोनों को मजे में रखूंगी। बेकार बच्ची के लड़के, ये बात तू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ कि तेरा समाज, तेरा परिवार नीरजा को कभी नहीं अपनाएगा। तू छोड़ना इसको। नीरजा का हाथ पकड़ा है मैंने। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। अच्छा, हाथ तो पकड़ लिया, पर इज्जत कहाँ से दिलवाएगा रे? सोना गाची में इज्जत के बदले कम से कम पैसा तो मिलेगा, लेकिन तेरे घर वाले इज्जत भी उतारेंगे और मुंह पे थूकेंगे भी। क्या अबीर का परिवार अपना पाएगा नीरजा को, दे पाएगा बहू का दर्जा? वेल हाय गाइस, मैं हूँ जानवी, वेलकम करती हूँ आपका चैनल की तरफ से। आपको ये पता ही होगा कि जब किसी की माँ चली जाती है उसके जिंदगी से, तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि अब हमारा साथ कौन देगा, कौन है हमारा, कौन नहीं। और नीरजा के साथ कुछ ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही है, जहाँ एक मात्र उसकी फैमिली प्रतिमा थी। प्रतिमा ही एक ऐसी इंसान थी जो कि अपनी बच्ची के लिए हमेशा अच्छा सोचती थी, उसे गलत राह पर चलने नहीं देती थी। और तभी नीरजा को उन्होंने जो है सोना कांची में उसके जो रंगत है उसमें ढलने नहीं दिया था, यानी कि प्रतिमा नहीं चाहती थी उनकी नीरजा भी जो है कोठे की लड़की बने। अब हम दूसरी ओर देखते हैं, प्रतिमा क्योंकि मर चुकी है, दीदून ने उसका कत्ल कर दिया है, तो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा नीरजा परेशान भी है, उसे समझ भी नहीं आ रहा है अब क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। और इस बीच जो है जहाँ पर प्रतिमा की चिता जल रही होती है, दीदून कहती है चल नीरजा मेरे साथ चल। यहाँ पर नीरजा कहती है कि मैं भले ही इस चिता पर जलकर मर जाऊं, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तो दीदून भी कह देती है जा चल मर जा, मतलब उसे धक्का दे देती है चिता की ओर। अचानक से अबीर आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर क्योंकि नीरजा के आगे पीछे कोई नहीं है, तो अबीर नीरजा का साथ देता है और यहाँ पर नीरजा की मांग भर देता है, बाकी की रस्में शादी वाली भी करता है। इसके बाद अब ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, पति पत्नी ये दोनों बन गए हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन जो अबीर का परिवार है, नीरजा को अछूत अपवित्र मानता है, क्योंकि नीरजा एक सोना गाची से है, बाड़ी से है, और इसीलिए वो नीरजा को अपनाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।